नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत व्याकरण की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसलिए छात्राओं, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नवीन प्रकरण को लेकर, और उस नवीन प्रकरण का नाम होता है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण से संबंधित हम जानकारी आपको विगत वीडियो में भी अवगत करा चुके हैं। आज उसी प्रकरण को गति प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। ऊपर विभक्ति प्रयोग के अंतर्गत संप्रदान कारक से संबंधित परिचर्चा करने के लिए संप्रदान कारक कारकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ढेर सारे प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस कारक से पूछे जाते हैं या इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज के इस वीडियो का शुभ आरंभ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक की परिभाषा के लिए या संप्रदान कारक से संबंधित जो नियम है उसके लिए सबसे पहले आपको ये अवश्य होना चाहिए, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, यानी दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान जो होता है, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कर्मणा यम अभिप्रेति, यानी दान कर्म के माध्यम से कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें संप्रदाने चतुर्थी जो सूत्र है वो यही कहता है, संप्रदाने चतुर्थी, जो संप्रदान होता है जिसको दान दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे नृपे भिक्षुकाय धनं ददाति, नृपे भिक्षुकाय धनं ददाति, राजा भिखारी के लिए धन देता है। तो कर्ता कौन है? नृप, राजा है। किसके लिए दान दे रहा है? भिक्षुक के लिए दे रहा है। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। तो जिसके लिए भी हम क्या देते हैं, कोई दान प्रदान करते हैं, कोई वस्तु प्रदान करते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें सर्वदा आपको ये विदित रखना है, स्मरण रखना है अपने जीवन में, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नृपे विप्राय अन्नम ददाति, जैसे राजा ब्राह्मण को अन्न देता है, किसके लिए दे रहा है? विप्र के लिए दे रहा है, इसलिए विप्र में क्या होगी? संप्रदान संज्ञा, ये आपको स्मरण रखना है। जैसे कृष्ण स्वमित्राय कलमं ददाति, कृष्ण अपने मित्र को पेन देता है, कलम देता है। तो जिसके लिए भी हम कोई दान दे रहे हैं उसमें आप समझ लीजिए कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, ये आपको स्मरण रखना है। क्लियर? अब चलते हैं हम, दूसरा सूत्र है आपका रुच्यार्थानां प्रियमाने चतुर्थी। जिसके लिए जो वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, उसमें सर्वदा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए जो वस्तु प्रिय होती है या रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है, उसमें कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सर सीता यही राम में स्वेदते गणेशाय मोदकम रोचते बालकाय दुग्धम रोचते।
सीता यही राम सुनते, सीता के लिए राम प्रिय हैं। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए मोदक यानी लड्डू अच्छा लगता है, रोचनते मोदकानी रोचनते। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए मोदक अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाय दुग्धम रोचते, बालक के लिए दूध प्रिय है, दूध रुचिकर लगता है। तो जिसके लिए जो वस्तु प्रिय होती है या रुचिकर होती है उसकी क्या होती है संप्रदान संज्ञा, और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको स्मरण रखनी है, स्मरण रखनी है। सीतायै राम सुरते, सीता के लिए राम प्रिय हैं, ऐसे ही लिख लीजिए। कृष्णाय राधा सुरते, कृष्ण के लिए राधा प्रिय हैं। तो जिसके लिए भी जो प्रिय है रुचिकर है उसमें हम कौन सी संज्ञा करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे, और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको स्मरण रखनी है, स्मरण रखनी है। ये हुआ आपका सूत्र, सीताये राम सुदते, गणेशाय मोदकम रोचते, बालकाय दुग्धम रोचते, कृष्णाय राधा सुदते। ये एग्जाम्पल हो गए। अब एक सूत्र और करता है, क्रोध ध्रुव असूया यम प्रतिकूप है, जो सूत्र है वो क्या कहता है, जिससे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे असूया की जाए, उन सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। हरये क्रुध्यति, हरि से क्रोध करता है, हरिये द्रोयते, हरिये असूयति, और हरिये ईर्ष्यति। हरि से क्रोध करता है, हरिये द्रोयति हरि से द्रोह करता है, हरिये असूयति हरि से असूया करता है, हरि ईर्ष्यति। क्रोध्यति मतलब क्रोध करना होता है, ध्रुयति मतलब विद्रोह करना होता है, असूयति असूया एक भाव होता है, क्या होता है, गुणों में अवगुण देखना। हरे ईर्ष्यति, ईर्ष्य मतलब किसी की संपन्नता को देख करके जलन करना, किसी के सुख को देख करके जलन करना, ये ईर्ष्या का भाव होता है। तो जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें सर्वदा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, स्मरण रखनी है। एक अंतिम बात देखें आपका, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा इत्यादि वाला सूत्र है, उसके लिए बता देते हैं। एक सूत्र और स्मरण रखना है आपको चतुर्थी विभक्ति में, और वो सूत्र है आपका नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशत योगात च। नमे स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशत योगात च, इन सबके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामाय नमे, राम के लिए नमस्कार, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, अग्नये स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, कृष्णाय स्वस्ति कृष्ण का कल्याण हो, कृष्णाय स्वस्ति कृष्ण का कल्याण हो, स्वरा प्रजाभ्य स्वधा, प्रजाभ्य स्वाहा अलम देखें, दैत्येभ्य अलम, अलम अगर निषेध के अर्थ में है
अलम यदि निषेध के अर्थ में है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अगर पर्याप्त के अर्थ में है तो आपको ज़हन में रखना है वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है, ये आपको स्मरण रखना है। रामायण में राम के लिए नमस्कार, श्री गणेशाय नमः श्री गणेश के लिए नमस्कार, कुछ भी लिख सकते हैं आप, श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण के लिए नमस्कार, अग्नि स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, कृष्णाय स्वस्ति कृष्ण का कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वाहा प्रजा के लिए आहुति, दैत्यव्य अलम दैत्यों के लिए दैत्यव्य अलम दैत्यों के लिए पर्याप्त, दैत्यव्य हरि अलम भी लिख सकते हैं, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है यानी भगवान विष्णु पर्याप्त हैं। इस तरह से आपको ये चतुर्थी विभक्ति से संबंधित हमने आपको जानकारी प्रदान की, आशा करता हूँ आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको परिचर्चा कराएंगे उपपद विभक्ति प्रयोग के अंतर्गत तो वो विभक्ति होगी आपकी कारक प्रकरण के अंतर्गत होता है अपादान कारक, उससे संबंधित जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप कृपा रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने अध्ययन से तनिक भी प्रभाव या आलस ना करें। मैं कुमार संतोष आपसे मिलता हूँ इसी शब्दों के साथ, मेरा जय श्री कृष्ण।